तो मोदी जी सीना चौड़ा करके क्यों कहते हैं कि मैं ओबीसी का प्रधानमंत्री? अभी भी तो गठबंधन की सरकार है, अभी वो N1 N2 के सारे से चल रहे हैं। आप अपने सारे से सरकार चला के दिखा दो। अगर देश सुरक्षित हाथों में है तो फिर किसकी इतनी हिम्मत कि कोई किसी की बेटी उठा के ले जाएगा? जब आप कहोगे समस्त भारतवासी हो एक हो जाओ तो हम सेफ हैं, मैं बहुत खुश होऊंगा, तब मैं मानूंगा कि हाँ मोदी जी ने देश हित की बात करी है। जितने मर्जी आप आरोप लगा दो बीजेपी के खिलाफ, एक भी आरोप वो सीरियसली लेंगे ही नहीं। केंद्रीय चुनाव आयोग, लेकिन उसकी शॉर्ट फॉर्म क्या बनती है? KCHUA। मैं क्या बॉर्डर पे खड़ा होकर रोक लूंगा? क्या मेरे पास ये राइट है कि मैं बॉर्डर पे घुसने से पहले किसी को रोक सकूं? पिछले 5 साल से 19 लाख EVM मशीनें गायब है, ये बटे हुए एकजुट होकर विरोध नहीं कर सकते, तो इनको बांटे जाओ और इनको काटे जाओ, तभी ये लोग कट पाएंगे, अदरवाइज ये लोग नहीं कट पाएंगे। इनको बांट दोगे तो इन्हें 100 का पेट्रोल 125-150 में भी बेच दोगे, कोई चिंता नहीं होगी। मैं आपको बार बार ये बताऊं, मैं तो शर्मा जी हूं। तो जातिवाद मैं फैला रहा हूं सर, हिंदुओं की बात, अकेले हिंदुओं की बात क्यों, पूरे भारतवासियों की बात क्यों नहीं? मुझे दिक्कत इस बात से है, जो नारा दिया जा रहा है वो टोटली सांप्रदायिक एंगल से दिया जा रहा है। देश हित में किसी के से ये नारा फिट नहीं बैठता, बटोगे तो कटोगे। और दूसरी तरफ उनका साफ साफ लाउड एंड क्लियर मैसेज है कि बटोगे तो तुम्हारा कटेगा। वो साफ साफ ये कह रहे हैं कि इनको बांटो और इनको काटो, ये बटे हुए एकजुट होकर विरोध नहीं कर सकते, तो इनको बांटे जाओ और इनको काटे जाओ। अगर एकजुट होकर पूरी जनता विरोध करती तो 450 का सिलेंडर आज 1200 का नहीं हुआ होता। 1200 से 800 रुपए उन्होंने जब करा तब करा, जब पूरी की पूरी जनता एक हुई, जनता ने आवाज उठाई, उन्हें दिख गया था कि अगर ये इकट्ठे हो गए तो ये मेरी सत्ता भी नीचे गिरा देंगे। पिछले लोकसभा चुनावों में आपने देखा 303 सीटों से 240 पे आके टिक गए, क्योंकि इनके जो विरोधी थे वो सारे एक हो गए थे, बटे नहीं थे, लोगों ने एकजुट होकर वोट करा। तो अब इन्होंने इसलिए नारा दे दिया कि बटोगे तो कटोगे, तो यानी अब इनको बांटो तभी ये लोग कट पाएंगे, अदरवाइज ये लोग नहीं कट पाएंगे। इनको बांट दोगे तो इन्हें 100 का पेट्रोल 125-150 में भी बेच दोगे, कोई चिंता नहीं होगी। इन्हें 100 रुपए वाली दाल जो है 200-250 में बेच दोगे, कोई चिंता नहीं होगी। इन्हें खाद तेल अगर 150 रुपए लीटर वाला 250 रुपए लीटर में भी बेच दोगे, इन्हें कोई चिंता नहीं होगी। इसलिए उनका साफ साफ छुपा हुआ मैसेज है कि बटोगे तो कटोगे, इनको बांटो तभी हम इन्हें काट पाएंगे। बिल्कुल जी बिल्कुल, कांग्रेस जातियों में बांट रही है, हमने मान लिया। आप जातिवाद का विरोध करते हैं, इसका मतलब मोदी जी का आशय यही है ना कि कांग्रेस जातिवाद में बांट रही है और वो हम जातिवाद का विरोध कर रहे हैं। तो मोदी जी सीना चौड़ा करके क्यों कहते हैं कि मैं ओबीसी का प्रधानमंत्री? उन्हें नहीं कहना चाहिए कि फिर मैं ओबीसी हूँ? क्यों कहते हैं वो? एक तरफ तो अपनी जाति को खुल के बताते हैं मैं ओबीसी हूँ, एक ओबीसी प्रधानमंत्री बन गया तो इसलिए कांग्रेसियों का दर्द हो रहा है, दूसरी तरफ खुद ही कह रहे हैं कि कांग्रेस जातिवाद फैला रही है। तो जातिवाद तो आप फैला रहे हो जब आप अपनी जाति बता रहे हो। मैं आपको बार बार ये बताऊं, मैं तो शर्मा जी हूं। तो जातिवाद मैं फैला रहा हूं, या आप सिर्फ अपना मुझे नाम बता रहे हो कि भाई मेरा नाम राकेश कुमार है या अनिल कुमार है, कुछ भी है, और आप अपनी जाति नहीं बता रहे, तो जातिवाद आप फैला रहे हो कि मैं फैला रहा हूं? जातिवाद तो मैं फैला रहा हूं कि मैं शर्मा जी हूं। तो इसी तरह मोदी जी कहते हैं मैं तो ओबीसी हूं, ओबीसी प्रधानमंत्री बन गया तो इसलिए कांग्रेस के पेट में दर्द हो रहा है, और दूसरी तरफ कांग्रेस के ऊपर आरोप लगा रहे हैं कि जातिवाद कांग्रेस कर रही है। कितनी बढ़िया बात करते हैं साहब। सर हिंदुओं की बात, अकेले हिंदुओं की बात क्यों, पूरे भारतवासियों की बात क्यों नहीं? मुझे दिक्कत इस बात से है, मैं भारतवासी हूं, मैं भारतवंशी हूं, मैं भारतीय हूं सबसे पहले, मेरे लिए मेरा धर्म बाद में है, मेरे लिए मेरी संस्कार बाद में, मेरे लिए सबसे पहले मेरा भारतवर्ष है। मैं भारत की भूमि में पैदा हुआ हूं, जननी जन्मभूमि विजय स्वर्ग आदि पे गरिष्यति, यानी जननी और जन्म भूमि का स्थान जो है स्वर्ग से भी ऊपर होता है। तो मेरे लिए सबसे पहले मेरी जननी और उसके बाद मेरी जन्मभूमि, मैं तो इनको सबसे ऊपर रखूंगा, उसके बाद ही तो मुझे पता चला मैं फलाने गोत्र से उत्पन्न हुआ है, मेरी जाति ये है, मेरी जाति वो है, उससे पहले मुझे कुछ नहीं पता था। तो पूरे भारतवासियों को एक करने की बात क्यों नहीं करते कि 140 करोड़ भारतवासी हो, एक हो जाओ, अगर बटेंगे तो चीन हमें काट देगा, अगर हम बट गए तो पाकिस्तान हमें काट देगा, अगर बट गए तो श्रीलंका हमें काट देगा, अगर बट गए तो बांग्लादेश हमें काट देगा। वो कभी नहीं कहेंगे इस बारे में, वो सिर्फ एक ही कम्युनिटी को लेकर चलेंगे, भाई अगर भारत की जनसंख्या 140 करोड़ है तो उसमें अगर हिंदू लगभग 100 करोड़ है तो बाकी जनसंख्या भी तो 40 करोड़ है, 100 का 40% तो दूसरी जनसंख्या, उसके बारे में बात क्यों नहीं करते आप? तो सीधी सी बात है, तो मुझे इसलिए उस नारे से आपत्ति है। जब आप कहोगे समस्त भारतवासी हो एक हो जाओ तो हम सेफ हैं, मैं बहुत खुश होऊंगा। जिस दिन उनके मुंह से निकलेगा कि समस्त भारतवासियों में अपील करता हूं कि आप सब लोग एक हो जाओ, चीन हमारा 5 साल से हमारे को कैलाश मानसरोवर का परमिट नहीं दे रहा, हमारी यात्रा का वीजा नहीं दे रहा, समस्त भारतवासियों एक हो जाओ, हमें चीन का मुकाबला करना है, तब मैं मानूंगा कि हाँ मोदी जी ने देश हित की बात करी है। हिंदू हिंदू की बात करे जा रहे हैं, लेकिन पिछले 5 साल से हमारे कैलाश मानसरोवर का वीजा का यात्रा का वीजा जो है वो चीन ने रोक रखा है, उसको चुपचाप छुपा रखा है, किसी को कहीं कोई आपत्ति नहीं है, सारे हिंदूवादियों को आपत्ति नहीं है, हमारे आराध्य देव को उन्होंने ब्लॉक कर रखा है, वहां जाने की हमें परमिशन नहीं है, ओम पर्वत को देखने की परमिशन नहीं है, आप जा ही नहीं सकते कैलाश मानसरोवर की यात्रा पे, लेकिन उस बारे में बात नहीं करेंगे क्योंकि बेवकूफ बना रखा है आपको। आप मुद्दों की बात कर लोगे? जी, घुसपैठ को रोकना है, घुसपैठ रोकना किसका काम है? घुसपैठ हो रही है, विदेशी घुसपैठ हो रही है ना, मान लेते हैं हम विदेशी घुसपैठ हो रही है, बांग्लादेश से घुसपैठ हो रही है, तो रोकना किसकी जिम्मेदारी? केंद्र सरकार की या राज्य सरकार की? बॉर्डर जितने भी है हमारे देश का बॉर्डर है, तिब्बत को छोड़ के बाकी सारे बॉर्डर को BSF कंट्रोल करता है, तिब्बत में ITBP काम करती है, इंडो तिब्बत बॉर्डर पुलिस,
बाकी सारे देश में बीएसएफ काम करता है। बीएसएफ किसके अंडर में आता है? केंद्र सरकार के अंडर में, गृह मंत्रालय के अंडर में। तो अगर वो अगर अपने काम को सही ढंग से अंजाम नहीं दे रहे तो इसके लिए दोषी कौन हुआ? आप हुए, मैं हुआ, ये आम जनता दोषी हुई? कौन दोषी हुआ? बीएसएफ दोषी हुई, केंद्र सरकार दोषी हुई, गृह मंत्रालय दोषी हुआ। तो घुसपैठ रोकना तो जिम्मेदारी आपकी है। आम आदमी जाके क्या घुसपैठ रोक लेगा? मैं क्या बॉर्डर पे खड़ा होकर रोक लूंगा? क्या मेरे पास ये राइट है कि मैं बॉर्डर पे घुसने से पहले किसी को रोक सकूं? मेरे पास ये राइट नहीं है। ना मुझे किसी का परमिट चेक करने का अधिकार, ना मुझे किसी आईडी चेक करने का अधिकार। ये अधिकार जिनको दिया गया वो अग्नि अपनी ड्यूटी ढंग से निभाएंगे तभी तो घुसपैठ रुकेगी, और कैसे घुसपैठ रुकेगी? कोई ये तो है नहीं कि जिनके लिए वो कहते हैं कि कांग्रेस ही घुसपैठ नहीं रोक रहे तो कांग्रेसी के वहां जाके हाथ पकड़ पकड़ के लेके आते हैं, और अगर कांग्रेसी भी लेके आते तो तुमने कितने कांग्रेसियों को जेल में डाला कि फलाना आदमी घुसपैठ करवाते हुए पकड़ा गया? नहीं है ना ऐसा कुछ भी। सारी गलती आपकी है, गृह मंत्रालय की गलती है, बीएसएफ की नाकाबिले बर्दाश्त गलती है। तो सीधी सी बात है, तो इसका मतलब घुसपैठ रोकना आपकी जिम्मेदारी, तो आप ही रोकोगे। आम आदमी तो इस घुसपैठ को रोकेगा नहीं। जिस तरीके से आप घंटे के घंटे का विरोध कर रहे हैं, लेकिन चुनाव आयोग जो है ना, चुनाव आयोग कार्रवाई करनी चाहिए। चुनाव आयोग की आपने शॉर्ट फॉर्म मालूम है आपको? केंद्रीय चुनाव आयोग। लेकिन उसकी शॉर्ट फॉर्म क्या बनती है? केचुआ। और केचुआ जो होता है वो रीढ़ विहीन प्राणी होता है, जिसमें रीढ़ नहीं होती, जिसमें रीढ़ की हड्डी नहीं होती। तो केचुए में कभी भी रीढ़ की हड्डी होगी नहीं, तो केचुआ कभी सीधा नहीं खड़ा हो सकता। तो वही हाल आज की डेट में इस केंद्रीय चुनाव आयोग का है। उसके लिए आप बीजेपी के खिलाफ तमाम शिकायतें आप कर दो, तमाम शिकायतें कर दो आप चुनाव आयोग में। आ रहे आपके पास भी? हाँ, जितने मर्जी आप आरोप लगा दो बीजेपी के खिलाफ, एक भी आरोप वो सीरियसली लेंगे ही नहीं। जब कांग्रेस ने आरोप लगाया कि जी आप ईवीएम में गड़बड़ पाई गई, तो उनको क्लेरिफिकेशन देने के बदले कि भाई 99% ईवीएम चार्ज कैसे मिली है, मैं इसका जवाब दे दो, उन्होंने बदले में शायरी दी उन्हें, और साथ में ये बोला कि कांग्रेस ऐसे आरोप ना लगाए, देश में अस्थिरता फैल जाएगी। क्यों भैया? आपका स्पष्टीकरण से देश में अस्थिरता फैल जाएगी। क्यों फैल जाएगी? क्योंकि आपकी पोल पट्टी खुल जाएगी, पता चल जाएगा कि गलती किसकी है, चुनाव आयोग की गलती है। कहां पिछले 5 साल से 19 लाख ईवीएम मशीनें गायब है, उनका केंद्र सरकार, ये ना केंद्र सरकार जवाब देती, ना चुनाव आयोग जवाब देता कि वो 19 लाख ईवीएम मशीनें बनने के बाद गई कहां, वो इन्हीं कामों में इस्तेमाल हो रही है। अल्टा पलटी होती है, स्ट्रॉन्ग रूम में मशीनें कोई सी जाती है, निकलती कोई सी है। उसके बाद पता चलता है कि जिन राज्यों में बीजेपी का कोई नाम लेवा नहीं था, जिन्हें कोई पूछ के राजी नहीं था, जिन गांवों से बीजेपी के लोगों को मार मार के भगाया गया, लात मार मार के, वहां एक एक गांव में 3000 वोट है तो 2200 वोट अकेले बीजेपी को पड़ रहे हैं। और जबकि 3 के 3000 लोग विरोध कर रहे हैं कि हमें बीजेपी को गांव में घुसने नहीं देना, और फिर उस गांव से 3000 वोट बीजेपी को मिल जाते हैं। तो ये सब बातों का जवाब चुनाव आयोग दे दे तो मैं उसे कहूंगा कि वास्तव में वो केंद्रीय चुनाव आयोग है, नहीं तो सीधी सी बात है वो केचुआ है। अभी कौन सी? अभी तो गठबंधन की सरकार है, अभी भी तो गठबंधन की सरकार है। अभी वो N1 N2 के सहारे से चलने, आप अपने सहारे से सरकार चला के दिखा दो। और किसकी हिम्मत है बेटियां लूट के ले जाएंगे? आज तक क्या कोई बेटी लूटे? क्या नादिर शाह का जमाना है कि जिसने आके आक्रमण कर दिया और हमारी चांदनी चौक में कतले आप मचा के चला गया, शाम को दौलत लूट के चला गया? क्या ये अहमद शाह अब्दाली का जमाना है कि वो आया आक्रमण करके चला गया? क्या ये उसका है मोहम्मद गौरी का जमाना है? लोकतंत्र का जमाना है भाई, इसमें शासन भी है, कानून भी है, व्यवस्थाएं भी है, संविधान भी है। क्या आपकी हिम्मत हो जाएगी कि किसी के घर में बेटे घुस के और उसकी बेटी को निकाल के ले आओ? क्या पुलिस बैठी हुई सोती रहेगी? सोती रहेगी पुलिस? कुछ ना कुछ तो करेगी, पुलिस का इतना तो डर होता है। अभी आपने चांदनी चौक में देखा, एक हवलदार साहब आए थे और उन्होंने यहाँ पे एक मिनट के अंदर सारी भीड़ तितर बितर कर दी। क्या किसी की हिम्मत हुई कि उनसे मुंहजोरी करने की? नहीं ना, सब एक तरफ हो गए। तो ये शासन प्रशासन की ताकत होती है, जिस ताकत को अगर वो ढंग से इस्तेमाल करे तो किसकी हिम्मत है कि कोई किसी की रोटी बेटी छीन लेगा? कैसे छीन लेगा भाई? किसमें इतनी हिम्मत हो जाएगी कि रोटी छीन के ले जाएगा, बेटी छीन के ले जाएगा? आज तक हमने तो कोई ऐसा इंसिडेंट देखा नहीं। बाकी जो अपराधी होते हैं, अपराधियों पर नकेल कसना आपका ही काम है, प्रशासन का काम है। अपराधियों को नकेल डालो, उन्हें दुरुस्त करो, लेकिन आपके राज्य में तो अपराधियों का महिमा मंडन करा जा रहा है। छोटा सा उदाहरण देता हूं, लॉरेंस बिश्नोई आजकल बड़ा फेमस चल रहा है, हर जगह उसका महिमा मंडन हो रहा है। बीजेपी के तमाम आईटी सेल के पदाधिकारी, अरे बाप रे बाप, लॉरेंस बिश्नोई भक्तों का नया पापा। क्यों? क्योंकि उसने काला कोट पहना हुआ, अंदर से वो भगवा है कोट, इसलिए हमारा ये तो हिंदू धर्म का उद्धारक आ गया। बाहू वहां पे उसने श्री राम का टैटू गुदवा रखा है, इसलिए लॉरेंस बिश्नोई की लगातार महिमा मंडन करे जा रहे हैं। अपराधियों को प्रश्रय दिया जा रहा है और फिर आप कह रहे हो कि आपकी बेटी उठा के ले जाएंगे? ऐसे कैसे उठा के ले जाएगा भाई? कोई बेटी जंगल राज थोड़ी है, कानून का राज है ना। आप खुद ही कहते हो कि देश सुरक्षित हाथों में, अगर देश सुरक्षित हाथों में है तो फिर किसकी इतनी हिम्मत कि कोई किसी की बेटी उठा के ले जाएगा? और अगर किसी की कोई बेटी उठा के ले जाता है तो इसका मतलब देश सुरक्षित हाथों में नहीं है। आप ये देश की बागडोर किसी और को सौंप दो। बिल्कुल बिल्कुल, वही देखिए ना, कितने एक अपराधी के लिए कितनी महिमा मंडन करा जा रहा है। विश्व हिंदू परिषद की हैसियत देखिए कि एक अपराधी का महिमा मंडन कर रही है कि वो एक जागा है और पूरा विश्व धर धर कर रहा है। एक गुंडे को इतनी ज्यादा वेटेज दी जा रही है, अपराधी जिसकी जगह जेल में होनी चाहिए वो जेल से बैठ के गिरोह चला रहा है और उसका महिमा मंडन करा जा रहा है। मैंने इसलिए कहा ना, भक्तों का इनका कोई दीन ईमान नहीं है, कब किसको पापा बना ले इनका कोई भरोसा नहीं होता। ओटीटी पे बहुत दिन पहले मैंने एक वो देखा था, सीरियल आया था 8-10 एपिसोड का, मेरा बाप कौन। भक्तों की हालत वही है, वो जगह जगह घूमता ही रहता है, मेरा बाप कौन। वो कहता है ये पता चलता है कि नहीं नहीं मैं तो उस दिन वहां नहीं वहां था। वो कहता अच्छा मेरा बाप ये होगा, अब ये होगा। तो आजकल भक्तों की हालत वही है, कभी बिश्नोई में पापा दिखता है, कभी किसी और में पापा दिखता है, कभी किसी और में पापा दिखता है। वो कंटिन्यू उनका यही चलता रहता है, उन्हें आज तक बेचारों को यही कंफर्म नहीं हुआ कि उनका वास्तविक पापा कौन है।
उन्हें पता ही नहीं है बेचारे, कंफ्यूज है। लोकसभा चुनाव से लगातार प्रधान मंत्री भाषाओं का इस्तेमाल कर रहे हैं, झारखंड और जाके महाराष्ट्र में, कैसे देख रहे हैं आप इसको? सिर्फ मैं एक तरीके से देख रहा हूँ, मोदी जी का एक बयान था, रुपया उसी देश का गिरता है जिस देश की, जब रुपया गिरता है तो प्रधानमंत्री की साख गिरती है, तो आज वही चीज यहाँ शामिल हो रही है, रुपया भी गिर रहा है साथ साथ और प्रधानमंत्री की साख भी गिर रही है। और ऐसी बयानबाजियों से विश्व में जो हमारा मजाक उड़ रहा है, खुद सोचो कितनी हालत खराब है विश्व में आज, क्या किस तरह से हमारे देश को देखा जा रहा है, कैसे नजरिए से देखा जा रहा है। अभी अमरीकी सीनेट में उन्होंने बात करी कि वहां पे लगातार हिंदू और हिंदू मुस्लिम की राजनीति करी जा रही है, अब इनको उन्होंने एकदम से छुपा दिया, एकदम से छुपा दिया उन्होंने कि हाँ अमरीकी सीनेट में भी इस तरह की कोई बात हो सकती है, छुपा दिया, मीडिया में चलाने को राजी नहीं है इस चीज को, छुपा रहे हैं, इंटरनेशनल लेवल पे बेइज्जती हो रही है। मतलब एक प्रधानमंत्री संवैधानिक पद पे बैठे हुए व्यक्ति की क्या ये भाषा होनी चाहिए? मटन मछली मुर्गा भैंस खोल के ले जाएंगे, बेटी उठा के ले जाएंगे, विपक्ष चाहे तो मुजरा करे, महफिले सजाए, कैसी भाषा का इस्तेमाल करते हो प्रभु, कैसी भाषा का इस्तेमाल करते हो? पढ़े लिखे अपने आप को कहते हो एंटायर पॉलिटिकल साइंस के एमए पास हो, ऐसे एंटायर पॉलिटिकल साइंस में क्या ये भाषा पढ़ाई जाती थी? एक आम सड़क का चलता हुआ व्यक्ति भी इस तरह की भाषा का इस्तेमाल नहीं करता जिस तरह की भाषा प्रधानमंत्री पद पे रहते हुए बोलते हो। हर एक बड़े आदमी का छोटे आदमी अनुसरण करते हैं, तो उसी का नतीजा यह है कि आज छोटे छोटे लोग जो हैं माँ की बहन की दुनिया भर की गालियों से एक दूसरे को नवाजते हैं। आप कभी भी बीजेपी वालों की टाइमलाइन पे चले जाओ, दूसरे लोगों के लिए उन्होंने माँ की बहन की दुनिया भर की गालियां ही भर रखी होती। आप किसी एक बीजेपी वाले का विरोध कर दो किसी सोशल मीडिया पे, देखो आपको कैसे माँ बहन की दुनिया भर की गालियों की बौछार आएगी। अब मैं आपको जितनी भी बातें बता रहा हूँ ना, जब आप अपने चैनल पे अपलोड करोगे तो बीजेपी के जितने सपोर्टर आएंगे वही कहेंगे अबे शर्मा नहीं है, ये तो कटुआ है, ये तो हलाला की पैदाइश है, ये तो इसका डीएनए चेक करो, टोटल आ जाएंगे, एक मिनट में उतर जाएंगे, फौरन माँ बहन की भी उतर जाएंगे। ये इन लोगों के संस्कार रह गए हैं। कौन राष्ट्रभक्त है? हाँ जी हाँ जी, इतने राष्ट्रभक्त हैं कि राष्ट्रभक्तों की सुनी नहीं जा रही। मोदी योगी जी राज में आपको दिखाऊं, एक चीज आपको दिखाता हूँ, योगी जी के राज में क्या हालत हुई बड़ी आज देश की, जिसको कहा जाता है कि सुशासन है, सुशासन है मोदी जी के राज में और योगी जी के राज में बहुत बड़ा सुशासन चल रहा है। इसमें आज एक वहां पे बीजेपी के जो एमपी हैं वो बेचारे गुहार लगा रहे हैं कि भाई ये देखिए, मिथुन चक्रवर्ती की बात नहीं कर रहा, भाजपा के दलित सांसद ने पीएम को पत्र लिखा, दलित होने के कारण योगी जी मेरी बात नहीं सुनते, ये देखिए ऐसी तो हालत हुई है। ऐसे ऐसे राष्ट्रभक्त है बेचारे। एक दूसरा एक और राष्ट्रभक्ति का नमूना दिखाता हूँ, ये देखिए बीजेपी के बड़े से लीडर हैं और वो देखो कैसे एक साधारण कार्यकर्ता को लात मार रहे हैं, ये देखिए फोटो खिंचवाने के बीच में गुजरा है तो उसको गुलत्ती मार दी, गुलत्ती मार दी, ये बीजेपी के नेताओं की हरकतें हैं। ऐसे ऐसे राष्ट्रभक्त हैं। एक और चीज आपको दिखाता हूँ कैसे कैसे राष्ट्रभक्त हैं। एक मिनट एक मिनट एक मिनट, नॉमिनेशन को छोड़ो, एक और चीज दिखाता हूँ, ये देखिए कितने बड़े राष्ट्रभक्त ये लोग हैं, कितने बड़े राष्ट्रभक्त हैं, हर टाइम कैसे गंद फैलाने में लगे रहते हैं। गो हत्या की झूठी अफवाह फैलाकर दंगा फैलाने की साजिश थी पूरी की पूरी, जब पुलिस ने उसको क्रैक करा, छह साल पहले की ये घटना है, सारे के सारे इसमें हिंदू पाए गए थे, गो हत्या की झूठी अफवाह फैलाई गई, दंगा मचाया गया और उसके बाद पुलिस ने निर्भीक तरीके से जांच करी, आज उनको सबको जेल हुई है, सबको उम्र कैद हुई है, बहुत बढ़िया। अदालत ने 10 दोषी है, दोषियों के सारे के नाम क्या है? राकेश, कालू, सोनू, मांगेराम, रिंकू, हरिओम, मनीष, ललित और करणपाल, इनको आजीवन कारावास की सजा सुनाई गई। गो हत्या की जो 18 जून 2018 की ये घटना है, इसकी में कासिम जो है उसको मॉब लिंचिंग करके मार दिया गया था। इस तरह के राष्ट्रभक्त हैं, इस तरह की हरकतें करते हैं, सारे के सारे हिंदू हैं, दसों के दसों, और उसकी झूठ फैलाने के जुर्म में और उसको मार दिया गया था, अब इन्हें उम्र कैद की सजा हुई है। ऐसे राष्ट्रभक्त हैं, ऐसी राष्ट्रभक्ति चाहिए हमें? ऐसी राष्ट्रभक्ति चाहिए क्या हमें? प्रधानमंत्री कह रहे हैं ईश्वर ने हमें कितनी खास काम के लिए भेजा है भारत में। हाँ जी हाँ जी बिल्कुल, खास काम के लिए भेजा है, वो खास काम ये है हिंदू मुस्लिम में लगातार फैलाव करो, उनमें फूट डालो, उनके शासन में उसके बाद अपना शासन चलाए रखो, हिंदू मुस्लिम को एक मत होने देना नहीं तो भारत विश्व गुरु बन जाएगा, सीधी सी बात है। जब हमारे हिंदू मुस्लिम एक थे इस राज्य में, आज से पहले हमारे भारत को क्या कहा जाता था? सोने की चिड़िया। किस लिए कहा जाता था? क्योंकि हिंदू मुस्लिम सब एक होकर काम करते थे। हमारी अर्थव्यवस्था जो थी मुगल काल में 25% जीडीपी था पूरे विश्व में, 25% जीडीपी मुगल काल में, जब हिंदू मुस्लिम साथ रहते थे, जिसकी ये बात उठाते हैं लगातार। और आज हमारी जीडीपी कहाँ है? अभी हमारी 4.5 ट्रिलियन की, 4.25 ट्रिलियन की इकोनॉमी और 2.25 ट्रिलियन का हमारे ऊपर कर्जा, ये हालत पैदा कर रखी है। हमारे खास काम से भेजा भैया, ऐसा खास काम हमें नहीं चाहिए था, अफसोस होता है हमें इस खास काम का।